कैसे पांव और लोअर लेग देखकर लिवर डिजीज का पता लगाया जा सकता है? ऑफ कोर्स प्रॉपर डायग्नोसिस में बहुत से टेस्ट शामिल हैं। कुछ निशानियां बॉडी में नजर आने लगती हैं अगर लिवर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे क्लूज मिल जाएंगे जिससे आप पोटेंशियली लिवर प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। कुछ ऐसे साइन एंड सिम्टम जिससे चीजों को नैरो डाउन करने में हेल्प मिलती है। पहली चीज है रेड एंड ब्राउन शाइनी डॉट्स। इसकी जैसे लोअर लेग में पुअर ब्लड सर्कुलेशन, ये डायबिटीज में भी होता है। कुछ अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाकी ऑर्गन भी अपने नॉर्मल स्टेट में हो। लोअर लेग और पांव की अपीयरेंस ये इंसान की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन देती है। अगर लीवर सही से काम नहीं कर रहा या दिल सही से पंप नहीं कर रहा तो इनकी खराबी से सबसे पहले वेस्कुलर सिस्टम में जाहिर होना शुरू हो जाती है। ये पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज हो सकती है। इनसफिशियंट क्रॉनिक वेन्स हो सकती हैं, जिसमें दिल खून की नालियों में से खून पूरे जिस्म में गुजारता हुआ पांव तक ले जाता है, लेकिन जो खून वापस नहीं आ पाता, क्लॉट बनने का खतरा बढ़ जाता है और लोअर लेग में आप इसे बड़ा क्लियरली देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है स्पाइडर वेन्स। ये लीवर सिरोसिस के सिम्टम है। ये बॉडी में बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन जमा होने की निशानी है। एस्ट्रोजन नॉर्मली नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के जरिए ब्लड वेसल को रिलैक्स करता है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है, लेकिन एस्ट्रोजन की ज्यादती और वेस्कुलर सिस्टम को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड कॉट और डीवीटी इसके रिस्क फैक्टर है। अगले नंबर पर है क्रैक हील्स। क्रैक हील्स विटामिन B3 और दूसरे ओमेगा 3 फैटी एसिड डेफिशिएंसी की अलामत है। इनकी कमी से होता है। लीवर बाइल बनाता है और बाइल मदद करता है इन फैटी एसिड की बॉडी की अब्सॉर्प्शन में। सो यहाँ अगर बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब है तो सिर्फ ओमेगा 3 फैटी एसिड ही नहीं, इसमें विटामिन ए आ जाता है, विटामिन ई, जो के हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, और फिर इसके बाद विटामिन B3। इनफैक्ट सारे बी विटामिन स्किन में इन्वॉल्व होते हैं। ये एंजाइम को फैक्टर के तौर पर प्रोटीन के साथ मिलकर काम करते हैं और स्किन को इम्प्रूव करते हैं। इनकी कमी स्किन को अफेक्ट करती है और जहां लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है इनके मेटाबॉलिज्म में। अगले नंबर पर है इचिंग इन द बॉटम ऑन फूट। पांव के तलवों में खारिश एक अलामत है जो लीवर में फ्लूड बैकअप की वजह से हो रही है। ये बाइल हो सकता है, ये ब्लड हो सकता है। लीवर कंजेस्टेड रहता है, बॉडी में हिस्टामिन ब्लड अप होने लगती है। एक और निशानी तलवे में पेन और इन्फ्लामेशन, जिसे अक्सर प्लांटर फिशाइटिस समझा जाता है। अक्सर में ये लीवर प्रॉब्लम फिर पांव के तलवे जलना, बर्न हीट या हॉट हीट, ये एक और निशानी है बैड लीवर की। बैड ऑर्डर स्मेली फीट, पांव से स्मेल आना, क्योंकि लीवर सही से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पा रहा, बॉडी की टॉक्सिन को और ये सिस्टम में बैक फ्लो कर रहा है और ये ज्यादा हो जाने पर स्किन से बाहर आने लगते हैं। अगर लीवर खराब है तो किडनी भी नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकती, किडनी भी इन टॉक्सिन को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, डाइजेस्टिव सिस्टम सही से फंक्शन नहीं कर सकता। एक ऑर्गन खराब है तो पूरा सिस्टम अनहेल्दी हो जाता है। उसके बाद है पिटिंग एडिमा। ये लोअर लेग पर प्रेस करने पर गड़ा बन जाता है, ये फ्लूड बैकअप की वजह से होता है। अगर लीवर प्रॉब्लम है तो बहुत कॉमन है। इसके बाद है टू नेल्स फंगस। ये बॉडी में फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है। लीवर सही से काम नहीं कर रहा तो बैड फंगस की ग्रोथ बढ़ जाती है और गुड फंगस कम हो जाता है। बॉडी में बैड फंगस जब बढ़ जाती है तो ये बाहर आने लगती है। इससे आपके सोराइसिस, टू नेल फंगस, डैंड्रफ, ये सब देखने को मिलता है। इसके बाद नेल व्हाइट हो जाते हैं, ये पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से होता है। अब लीवर के ये सारे मसले होते क्यों हैं? बहुत सी चीजें। पहले नंबर पर है मेडिकेशन साइड इफेक्ट। दूसरे नंबर पर सर्टेन एंटीबायोटिक, माजी में बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया हो, और हाई शुगर इनटेक, कोल्ड ड्रिंक, शुगर ड्रिंक, सिंथेटिक फ्लेवर्स, ये सारे केमिकल्स हैं, जहर हैं। सब ये बॉडी में जाते हैं, लीवर इनको डिटॉक्सिफाई करता है और सारा बोझ लीवर पर पड़ता है। फिर इसके बाद सब्जियां कम खाना, प्रोटीन इनटेक ज्यादा होना, जंक फूड, फास्ट फूड, चिकन, ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोसेस्ड प्रोटीन है। वेजिटेबल्स आपको एंटीऑक्सीडेंट देती है, एंजाइम्स मिलते हैं, फाइटोन्यूट्रिएंट मिलते हैं जो लीवर के नॉर्मल फंक्शन में हेल्प करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी दबा दें, ताकि नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको वक्त पर मौसूल होती रहें। भाई को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।